हिंदुस्तान की आंख और कान बन के पाकिस्तान में रहो। किस तरह? मैंने उनके छोटे बेटे इकबाल से तुम्हारे निकाह की बात कर दी। के लिए सुराग लगाना, उसके लिए पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट्स बनाए रखना और बात है, लेकिन एक मासूम लड़की जिसे जासूसी का इल्म भी नहीं है, और उन लोगों का जो यकीन मुझ पर है, वो मेरे अलावा सिर्फ मेरी बेटी पर है। एक चुप हुई और तुम्हारी लाश जमीन पर पड़ी होगी। दिल्ली में 138579 स्विच बोर्ड नंबर 56829 कंट्री 92 सिटी 51 कहाँ जा रही हैं आप? यही हूँ सोफे पर। देखिए, वालदेन ने तो लाकर मिला दिया, लेकिन हम भी तो सब्र से जान लें एक दूसरे को। उसके लिए वक्त लगेगा और मुझे भी। सबसे पहले तो ये कि एज अ फील्ड एजेंट आपके गिर्द एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाए। आपके सारे एक्शंस उस रेखा के अंदर होंगे और आप अपनी मर्जी से कोई एक्शन लें। आपने तो कहा था वो एक्सपीरियंस नहीं है, अलग भी नहीं जबकि पहचान। एक्सपर्ट एजेंट नहीं है, वो स्टूडेंट अच्छी थी। मैं बुक को मायूस नहीं करती। मम्मी की छोड़ी एक सौगात है तो मैं देना चाहता था और कहना चाहता था कि खुद को अकेला मत समझो। यही सब ठीक है? टपक रही थी, रहमत हो और रुके। तुम ठीक हो? अब्दुल की मौत से लगता है कुछ हिल गई हो तुम भी। एक मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि अब्दुल तुम्हारा भी नाम होगा। उसे घर से निकाल दे, उसका कोई इलाज नहीं है। दो गोलियों का इस्तेमाल करना सर, एक मेरे लिए एक अपने लिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी कोई सच था हमारे दर में? मैं अगर सच कहूंगी तो क्या मैं एक बार कर लेती? अगर सबसे बड़ा सच ये है हिंदुस्तान से आगे तुमसे मोहब्बत की है सब, एक बार की मौत तो नहीं थी इसमें। हमने अपना जमीन अपनी जिंदगी सब लिया आपके लिए। जान नहीं बख्शी थी मेरी। डॉक्टर का कहना है कि तुम जानती हो, लेकिन मैं इकबाल के बच्चे को देखूंगी।